वेलकम बैक दोस्तों, ऑटोमोबाइल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इंडिया में हैचबैक और सेडान्स का दबदबा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एसयूवी के हाई मेंटेनेंस और हाईएस्ट प्राइस के कारण इन्हें प्रेफर करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काफ़ी अच्छी और कम कीमत में एसयूवीज आने लगी, तब से लोग एसयूवी प्रेफर करने लगे हैं और आज इंडिया में एक से बढ़कर एक एसयूवीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। एक ऐसी एसयूवी जो अभी इंडिया में हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है और लॉन्च होते ही अक्टूबर में 12,854 यूनिट्स इस गाड़ी की सेल हो चुकी हैं। इस गाड़ी को हाल फिलहाल में ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में नई कंपनी किया ने लॉन्च किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किया सेल्टॉस की। जी हाँ दोस्तों, किया मोटर्स की यह पहली गाड़ी है इंडिया में और पहली गाड़ी से ही इसने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। किया सेल्टॉस के कारण ही किया ने इंडिया में अदर ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, ह्यूंडई, मारुति जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा एसयूवी बेचने वाली कंपनी किया बन चुकी है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि किया सेल्टॉस इतनी क्यों बिकी या लोगों की पसंद इतनी क्यों रही। तो दोस्तों, किया मोटर्स जो है वो ह्यूंडई ग्रुप की ही एक कंपनी है, इसलिए इसने ह्यूंडई की इतने सालों की जो मेहनत है उसका फ़ायदा उठा लिया। और दूसरी बात, किया मोटर्स ने अपने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट को बनाया है और इतने कम कीमत में इस गाड़ी को लॉन्च किया है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस दिल्ली के हिसाब से इसकी जो कीमत है वह 9,69,000 रुपये से शुरू होकर 17 लाख रुपये तक इसका टॉप वेरियंट जाता है। तो इतनी कम कीमत में इसमें इतने बड़े बड़े फीचर्स देखने के लिए मिले हैं, इस कारण भी इस गाड़ी ने इतनी पॉपुलेशन की है। और दोस्तों, माइलेज इंडिया में बहुत से लोग देखते हैं तो माइलेज भी इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह इसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से इसका गाड़ी का माइलेज बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए माइलेज के बारे में बताते हैं आपको। तो इस गाड़ी में कंपनी ने बताया है कि अगर इसका आप डीजल मैनुअल में इंजन यूज करते हैं तो वो 21 KMPL का माइलेज दे देता है बड़े आराम से, और अगर पेट्रोल इंजन यूज करते हैं इस गाड़ी का तो इसमें आपको 16 KMPL का माइलेज मिल जाता है बड़े आराम से। तो दोस्तों, ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों पे अवेलेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों सुविधा अवेलेबल है। तो इसमें फीचर्स इतने बढ़िया हैं तो और प्राइस भी इतना कम है, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पसंद किया है। और जब ये लोगों की इतनी पसंद बन ही चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं बनाऊँ, जिसमें मैं इंजन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के बारे में सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊँ तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जिस टॉपिक पे आप किसी वीडियो चाहते हैं, किसी भी गाड़ी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए, हम वीडियो आपके लिए तुरंत लेकर के आएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में।